अगर आप जेके बॉस जूनियर असिस्टेंट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा ऑनलाइन कोर्स फॉर जेके बॉस जूनियर असिस्टेंट एग्जाम इन जस्ट ₹699। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे परसेंटेज। फ्रेंड्स, परसेंटेज करने से पहले हमें कुछ परसेंटेज का बेसिक आना काफी जरूरी है। जैसे कि 100% होगा 1/1 यानी कि फुल बाय फुल। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि हमारे मार्क्स आए 100 में से 100 तो वो होंगे 100%। 2 में से 2 तब भी 100% यानी कि फुल बाय फुल होंगे तो 100% होगा। सेम फ्रेंड्स, 1/2 आए तो 50% होंगे। 1/3 आया तो 1/3% होगा। 1/4 होगा तो 25% होगा। 1/5 होगा तो 20%। सेम फ्रेंड्स, 1/6 होगा तो 16 2/3%। 1/7 होगा तो 14 2/7%। 1/8 होगा तो 12 1/2%। सेम 1/9 होगा तो 11 1/9%। फ्रेंड्स, 1/10 होगा तो 10%। फ्रेंड्स, 1/10 यानी कि 100 में से अगर हमारे 10 नंबर आए तो वो होंगे 10% के बराबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि 30% ऑफ 1000। तो फ्रेंड्स, 30% का डिवाइड होगा 100 मल्टीप्लाई 1000। तो फ्रेंड्स, 30 × 10 होगा 300। फ्रेंड्स, हम परसेंटेज डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सपोज कर लो, जैसे जो लिखा था 30% ऑफ 1000। फ्रेंड्स, हम इसे लेट कर लेते हैं जी, 30 की जगह जी मान लो 10 है। 10 होगा तो हमने नंबर का एक जीरो हटा देना है, बचा हुआ नंबर ही होगा हमारा 10%। मान लो 10% आया 100 के बराबर। 10% अगर 100 है तो 20% 200 होगा, 30% 300। सेम फ्रेंड, 300 ही था हमारा आंसर। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है 20% ऑफ 300। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ट्रिक से करेंगे 20 को लेट कर लो 10 है। फ्रेंड्स, अगर 10% ऑफ 300 होगा तो नंबर का एक जीरो हटा दो, वही होगा हमारा आंसर। यानी कि 10% ऑफ 300 का आंसर होगा 30। फ्रेंड्स, अगर 10% 30 हो रहा है तो 20% कितना होगा? 10 का अगर 20 हो रहा है डबल, 10 को डबल करके 20 बन रहा है, तो 30 को डबल करेंगे तो हम 60 होगा हमारा राइट आंसर। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखेंगे तो 20% यानी कि 20/100 हाफ का मल्टीप्लाई 300। 20 × 3 60 ही है फ्रेंड्स, हमारा सेम आंसर आया। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है इफ 10% ऑफ 20% ऑफ एक्स इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि अगर 10% ऑफ 20 20% ऑफ एक्स इक्वल टू 5 के बराबर है तो बताओ वो वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, 10% है यानी कि 10/100 हाफ का मल्टीप्लाई 20% यानी कि 20/100 ऑफ एक्स यानी कि मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 5। तो फ्रेंड्स, यहां से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड्स, 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल, 250 से कैंसिल 100। तो फ्रेंड्स, जहां पे बच गया एक्स बाय 50 इक्वल टू 5। तो फ्रेंड्स, जहां से एक्स की वैल्यू बन गई 250। फ्रेंड्स, 250 ही है हमारा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, 65% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन 3/4 ऑफ दैट नंबर, फाइंड बट इज द नंबर या फाइंड द नंबर। फ्रेंड्स, बोला है 65% ऑफ नंबर इज 21 लेस देन 3/4 ऑफ दैट नंबर। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले उस नंबर को लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स मान लेते हैं उसे। तो फ्रेंड्स, बोला है 65% ऑफ ए नंबर, वो नंबर है एक्स यानी कि 65% ऑफ एक्स। इज 21 लेस देन
तो फ्रेंड्स इज लगा यानी कि इक्वल टू 21 लेस देन 3/4 ऑफ डेट, उस 3/4 ऑफ उस नंबर का 3/4 ऑफ से 21 लेस है, यानी कि 3/4 ऑफ डेट नंबर, वो नंबर है x, यानी कि 3/4 ऑफ x माइनस 21। तो फ्रेंड्स जहां से आपका 65% यानी कि 65/100 x 3/4 ऑफ x माइनस 21। तो फ्रेंड्स x को इस तरह ले आएंगे तो ये बनेगा 65 x अपॉन 100 माइनस 3/4 ऑफ x इक्वल टू माइनस 21। तो फ्रेंड्स एलसीएम बनेगा 100, ये बनेगा आपका 65 x, तो 100 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो सेम 25 से ऊपर भी होगी तो बनेगा 75 x इक्वल टू माइनस 21। तो फ्रेंड्स 65 माइनस 75 बड़ा है, यानी कि माइनस 75 से निकलेगा 65, तो बनेगा आपका माइनस 10 x अपॉन 100 इक्वल टू माइनस 21। तो फ्रेंड्स माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो, तो जहां से आपका x निकल के आएगा 21 और 10 इस साइड जाएगा तो 210। फ्रेंड्स वो नंबर जो हमने लेट किया है x, वो हमारा निकल के आया 210। तो फ्रेंड्स 210 ही है हमारा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक डेमो लेक्चर है और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और आप फुल लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारा जेके बोझ जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।